आधुनिक शहरी परिवहन के क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में मेट्रो रेल नेटवर्क के निर्माण ने देशवासियों की यात्रा को सुगम, सरल और सुखद बनाया है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन 5 शहरों में किया जा रहा था, वहीं आज देश के 20 शहरों में 872 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है। यही नहीं, आज 990 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मीटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी। आज भारत में हर महीने 6 किलोमीटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में भूमि पूजन के साथ पुणे मेट्रो की आधारशिला रखी गई और 2022 में प्रधानमंत्री जी द्वारा पहले सेक्शन का उद्घाटन किया गया। आज फूगेवाड़ी स्टेशन से सिविल कोर्ट स्टेशन और गरवारे कॉलेज से रूबी हॉल क्लिनिक स्टेशन का सेक्शन संचालन के लिए तैयार है। पुणे मेट्रो के स्टेशनों को खूबसूरती के साथ डिजाइन किया गया है और कुछ स्टेशनों के डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज के किलों और सैनिकों की पगड़ी से प्रेरित है। साथ ही पुराने पुणे शहर की बाड़ा संस्कृति को भी दर्शाया गया है। पुणे रेलवे स्टेशन और शिवाजी नगर स्टेशन को भारतीय रेलवे के साथ जोड़ा गया है। सिविल कोर्ट मेट्रो स्टेशन दोनों लाइनों के लिए एक इंटरचेंज स्टेशन है, जो सबसे गहरे मेट्रो स्टेशनों में से एक है। पुणे मेट्रो शहर के महत्वपूर्ण स्थानों से होकर गुजरती है। पुणे मेट्रो से 65 लाख से अधिक पुणेवासियों के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ा है, जिससे विभिन्न स्थानों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाने, यात्रा के समय में बचत करने, प्रदूषण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने, रोजगार में वृद्धि और शहरी आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। पुणे मेट्रो ने पर्यावरण का ध्यान रखते हुए सोलर पावर सिस्टम लगाया है। मेक इन इंडिया के तहत आज देश में ही कोचेस का निर्माण भी किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में समग्र, सतत तथा संतुलित विकास को बढ़ावा देते हुए आज पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में फैले मेट्रो कॉरिडोर के लक्ष्य को पूरा करते हुए मेट्रो नेटवर्क का ये दूसरा सेक्शन पुणे वासियों को समर्पित है।